नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में समझेंगे और उसकी कौन सी ब्रांचेज है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली दोस्तों केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब ये साइंटिफिक स्टडी होती है मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, और उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगी जब हम उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसकी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उस सब्सटेंस या मैटर के अंदर जो जो चेंजेस आएंगे उसको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। दोस्तों बेसिकली केमिस्ट्री की दोस्तों बेसिकली तीन मेन ब्रांच होती है, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेंड्स वी स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मीन्स बेसिकली वी स्टडी कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली, लाइक एल्कोहल्स वी स्टडी हेयर, फिनोल वी स्टडी हेयर, एल्डिहाइड, केटोन्स, लाइक दिस कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन वी विल स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दिस दोस्तों वी विल स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इसके अंदर हम ऐसे सब कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता हमें, बेसिकली हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और अलॉयज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लास्ट ब्रांच है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। इसके अंदर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अपीयरेंस कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है और बिहेवियर कैसा है मैटर का, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था केमिस्ट्री के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।